नमस्कार मित्रों, मैं रोहन शर्मा हाजिर हूँ आप सभी के सामने आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिषायन वास्तु में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, जो कि हमारे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में हमारे परिवार के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, और वो है दोस्तों वास्तु। दोस्तों, वास्तु का हमारे जीवन पर और हमारे परिवार पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इस अध्याय में हम आपको बताएंगे कि वास्तु का कहां कहां हम लाभ ले सकते हैं, वास्तु से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार के कुछ चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे, और आपको प्रत्येक वीडियो के बाद एक वास्तु टिप्स भी दिया जाएगा, जिसके ज़रिए आप अगर कोई परेशानी आपको मिल रही है तो आप उसको हल कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी वास्तु से संबंधित कोई परेशानी आ रही है तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में अपने परेशानी को लिख सकते हैं। आप वास्तु के लिए कोई जानकारी जानना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको उचित हल प्रदान किया जाएगा। दोस्तों, वास्तु भारत की एक सबसे प्राचीन कला है। अगर हम बात करते हैं प्राचीन कलाओं की, तो वास्तु कला एक बहुत ही महत्वपूर्ण कला है भारत में हमारे। तो दोस्तों, जिसका वास्तु कला का उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो वास्तु कला का उपयोग हम भवन निर्माण में करते हैं, ऑफिस में करते हैं, घर को बनाने में, या किसी शॉप को बनाने में, मॉल में, हर जगह हम वास्तु का यूज़ करते हैं, वास्तु को उपयोग में लेते हैं। वास्तु के उपयोग से दोस्तों कि हम चाहते हैं कि हम जिस घर में रह रहे हैं, या हम जहां काम कर रहे हैं, या हम जहां पर भी वास्तु का उपयोग कर रहे हैं, वहां से हमें सुख की प्राप्ति हो और जो दुख है वो थोड़े कम हो जाए, जो निराशाएं हैं वो कम हो जाए, एक सकारात्मक ऊर्जा का हमारे चारों तरफ संचार होता रहे, इसके लिए वास्तु का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। दोस्तों, वास्तु की अगर हम बात करें तो जो बहुत ही बड़ा परिवर्तन आया है, पहले के ज़माने में वास्तु को एक बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता था, उसका एक बहुत ही अच्छा तरीके से यूज़ किया जाता था, पर जैसे जैसे समय बदलता गया वास्तु का यूज़ भी बदलता गया। लोग आज वास्तु को कम मानते हैं, कुछ मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, पर अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या आ रही है तो आपको एक बार ज़रूर इसके बारे में सोचना चाहिए। और अगर आपको वास्तु नहीं कराया है अपने अपने मकान का, अपने भवन का, अपनी जगह का, तो आप एक बार वास्तु ज़रूर कराएं। तो दोस्तों, प्राचीन काल में जैसे हम छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको, कि चार दिशाएं होती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब हम बात करते हैं तो प्राचीन काल में जो है मल की जो दिशा होती थी उसको वास्तु में हमने कोई जगह नहीं दी थी। प्राचीन काल में जो मल, जिसको हम वर्तमान में टॉयलेट बोलते हैं, बाथरूम बोलते हैं, प्राचीन काल में उसको वास्तु में कोई जगह, कोई स्थान नहीं दिया गया था। पर आज हम अगर हम नेतृत्व कोण की बात करें, दक्षिण दिशा की बात करें, तो हम उसको टॉयलेट के लिए बोलते हैं। तो इसी प्रकार से कुछ चीज़ें चेंज हुई है, कुछ चीज़ों में परिवर्तन आया है, पर इसका देवताओं से कनेक्शन हुआ है, इसको देवताओं से संबंधित माना जाता है वास्तु को। आज भी वास्तु को जो भी जैसे हम दक्षिण दिशा की अभी हमने बात करी कि हम दक्षिण दिशा में टॉयलेट बनाते हैं, बाथरूम बनाते हैं, पर अगर हम पुराने प्राचीन ग्रंथों की बात करें तो दक्षिण दिशा को उन्होंने पितृकोण माना है, पितरों के बारे में यम कोण माना है, उस दिशा को उस व्यक्ति के लिए उस रोल में डाला गया है, न कि उसको टॉयलेट के संबंधित मल से संबोधित किया गया है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से वास्तु में कुछ समय के साथ साथ बदलाव आए हैं, पर प्राचीन ग्रंथ में वास्तु का क्या रोल था, प्राचीन ग्रंथ के हिसाब से जो ओरिजिनल वास्तु है, जो रियल वास्तु है, वो कैसे होते थे उसमें, और आज के वास्तु में क्या अंतर आया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और उसी के साथ साथ जो रियल सच में जो इससे वास्तु बोलते हैं उसका कैसे उपयोग किया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, आजकल वास्तु के नाम पर बहुत सारे लोग बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं, बहुत सारे वास्तु के ज्ञाता होते हैं बड़े बड़े, जिन्हें कुछ आता है कुछ नहीं आता है, पर वो आपको अपने आप को बोलते हैं कि मैं वास्तु का विद्वान हूँ, और इस चक्कर में वो आपको कुछ गलत बता देते हैं जिसका परिणाम उसको न होके आपको होता है, उसकी परेशानी आपको होती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही एक किस्सा मेरे मित्र के साथ हुआ था। दोस्तों, उनके जीवन में भी कुछ समस्याएं आ रही थी,
नहीं आ रही थी पहले, पर किसी ने वास्तु के कारण उनको और अधिक लाभ कमाने का अवसर दिया और उस अधिक लाभ के चक्कर में उन्हें डबल नुकसान हो गया। तो अगर आप किसी से वास्तु परामर्श ले भी रहे हैं तो दोस्तों आप पहले सोचें, समझें और उसके बारे में अच्छे से जानें, उससे सवाल करें कि ऐसा क्यों, ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा क्या सच में वास्तु में लिखा हुआ है, इसके पीछे बहुत सारे सवाल होते हैं, उसके बाद ही आप उस चीज को करने का निष्कर्ष लें। दोस्तों वास्तु में चार दिशाएं, आठ दिशाएं होती है बेसिकली, चार कोने होते हैं दोस्तों, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चार जो दिशाएं हमारे सभी के सामने हैं। इसके अलावा दोस्तों उत्तर पूर्व एक होती है जिसे ईशान कोण बोलते हैं हम, ईशान कोण उत्तर पूर्व दिशा को बोलते हैं। इसी के साथ ही दोस्तों उत्तर पश्चिम दिशा होती है, उत्तर पश्चिम दिशा को हम व्यायव्य कोण बोलते हैं, व्यायव्य कोण किसको हम बोलते हैं, उत्तर पश्चिम दिशा को। अब बात करते हैं दोस्तों दक्षिण पश्चिम दिशा की, दक्षिण को दिशा होती है, पश्चिम दिशा होती है, दक्षिण और पश्चिम दिशा का कॉर्नर, कोना जहां मिलता है उसे हम दक्षिण पश्चिम दिशा बोलते हैं, इसे हम नेतृत्व कोण भी बोलते हैं। इसी के साथ दोस्तों दक्षिण पूर्व दिशा, दक्षिण पूर्व दिशा को हम आग्नेय कोण बोलते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से चार दिशाएं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और प्रत्येक दिशा के बीच में एक कोना, तो चार कोने, ईशान कोण, व्यायव्य कोण, नेतृत्व कोण एंड आग्नेय कोण। तो दोस्तों प्रत्येक कोने का एक अपना महत्व होता है, प्रत्येक दिशा का अपना एक महत्व होता है। पूर्व दिशा को सूर्य की दिशा बोली जाती है, पूर्व दिशा मतलब जहां से सूर्य उदय होता है, पूर्व दिशा को सूर्य की दिशा बोली जाती है, सकारात्मक ऊर्जा की दिशा बोली जाती है, इसके देवता जो होते हैं वो सूर्य होते हैं। इसी प्रकार से अगर उत्तर दिशा की बात करें दोस्तों, तो उत्तर दिशा के जो देवता होते हैं वो कुबेर होते हैं, उत्तर दिशा को धन की दिशा बोला गया है, उत्तर दिशा के जो देवता हैं वो कुबेर हैं। अब दोस्तों बात करते हैं पश्चिम दिशा, पूर्व के सामने की दिशा पश्चिम दिशा होती है और इसे वरुण देवता को संबोधित किया गया है। दक्षिण दिशा की बात करें तो दोस्तों दक्षिण दिशा को यम का माना गया है, दक्षिण दिशा यम की दिशा होती है। अब हम बात करते हैं ईशान कोण की, ईशान कोण उत्तर पूर्व का कोना, ईशान कोण को ईश्वर शिव की शिव के लिए बोला गया है, ईशान कोण में शिव का वास होता है। अब हम बात करते हैं अग्नि कोण, अग्नि कोण में अग्नि देवता का वास होता है। अग्नि कोण कौन सा हो गया दोस्तों, तो पूर्व और दक्षिण का कोना अग्नि कोण हो गया। अब हम बात करते हैं व्यायव्य कोण की, व्यायव्य कोण मतलब उत्तर और पश्चिम का कोना व्यायव्य कोण हो गया, और व्यायव्य कोण मतलब वायु, तो इसके देवता कौन हुए, वायुदेव। इसी के साथ नेतृत्व कोण की, नेतृत्व कोण के जो कोना होता है वो होता है दक्षिण और पश्चिम का कोना। अब दक्षिण पश्चिम का कोना नेतृत्व कोण कहलाता है, और इसके जो देवता होते हैं वो होते हैं पितृदेव, आपके परिवार के जो पितृ होते हैं उनका वास होता है नेतृत्व कोण में। अब आते हैं मध्य कोण, चारों दिशाओं के बीच में जो एक कोना होता है उसे बोलते हैं मध्य कोण, जो बीच सेंटर ऑफ द हाउस होता है वहां पर ब्रह्मा का वास होता है, ब्रह्मा जी का वास जो होता है वो सेंटर ऑफ द हाउस होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने आपको बताया कि चार दिशाएं होती है, चार दिशाओं के चार कोने होते हैं, और प्रत्येक दिशा और प्रत्येक कोने का अपना एक महत्व होता है, अपने एक स्वामी होते हैं। तो दोस्तों आने वाले वीडियो में हम बताएंगे कि वास्तु में और डिटेल में क्या क्या होता है, वास्तु का किस प्रकार से उपयोग लेना चाहिए, घर के प्रत्येक कोने में वास्तु का किस प्रकार से बहुत ही बड़ा एक रोल होता है वो हम आपको बताएंगे, जिससे आपको पूरी सहायता मिलेगी कि अगर आपके जीवन में वास्तु से संबंधित कोई भी परेशानी आ रही है तो वो हल हो जाएगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी जानकारी आपको यहां दी जा रही है आप इससे संतुष्ट होंगे, और अगर आपको जानकारी दोस्तों अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, तथा अपने दोस्तों तक भी इसको पहुंचाएं ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल पाए। धन्यवाद।